दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, करते करते मैं परेशान हो गया। और इस तरह की खबरें इतनी ज्यादा चलने लगी, खास करके लोकल मीडिया में, पोर्टल में, सुबह से शाम तक 1000 फोन। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 34 साल की सेवा अवधि पूर्ण की है, और 34 साल की सेवा अवधि में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दल का कोई भी नेता, चाहे वो गांव के स्तर का हो या प्रांत के स्तर का हो या राष्ट्र के स्तर का हो, वो अगर मुझे एक मेरी गलती बता दे, निकाल दे, मेरी निष्पक्षता पर उंगली उठा दे, जितने बिहार 34 साल में चुनाव हुए मैंने कराया है, और 34 साल में अधिकांश समय मैं फील्ड में रहा हूं, कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक रहा हर जात, हर समाज, हर वर्ग और हर दल के जो भी लोगों का जायज काम हो जो मेरे पास आ गया, बिल्कुल निष्पक्षता से किया, नंबर वन। नंबर टू, 34 साल में कोई भी, आप भी मीडिया के लोग हैं, कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा, जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरण कर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़े हमने की, 40 तो से अधिक तो केवल बेगूसराय में, और भी जहां जहां मैं रहा, रांची में सीनियर एसपी रहा, जहानाबाद में रहा, कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। तो जीवन भर 34 वर्ष जो आदमी पूरी तरह से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम किया, उस पर अब सवाल उठाते हैं जो आप मेरे से कर रहे थे और सबके मन में सवाल होगा, और मीडिया पर बहुत लोग, तरह तरह के लोग ट्रॉल कर रहे हैं या करेंगे, कर भी रहे हैं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं डीजीपी था मैंने डीजीपी का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं, आपके मन में भी यही सवाल होगा, इसका मैं सीधा सवाल जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहां रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप, जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था, और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहां आता है, और यहां बिहार पुलिस ने जो FIR किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अनुसंधान करने के लिए टीम गई, इस पर किसी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो CBI को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में यह भी स्टैब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च CBI को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, उसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक बड़े पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। तो जो भी मैंने किया एक DGP की हैसियत से, और मैंने वो किया,
और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए मैं उस लड़ाई को लड़ा, और मामला वो अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है। मेरी भूमिका वहीं तक थी, उसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ करके देख रहे हैं कि वो सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था। ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते। मैं बिहार की माटी का हूं, गांव के गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी, मेरे किसी भी चार पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया। मैं पहला आदमी हूं घर से जो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 8वें साल में जब प्रवेश किया तो झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में। गुरुजी बैठते थे खटिया पर बरगद के पेड़ के नीचे, बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की। और गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। उस माहौल से निकला हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। IRS में गया, IPS में गया। मेरे काम करने का तरीका हमेशा, आज जो सुशांत को बताइए, मैं जब बेगूसराय में चतरा में जब मैं था SP, पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं भुइयां लोग हैं, गंजू लोग हैं, जो दलित महादलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके घर में जाता था। मैंने पहली बार गरीबी की परिभाषा जानी, गरीबी क्या होती है कि साल में 3 महीने तक महुआ उबाल करके खा करके लोग जीते थे। मैं नहीं सोचता था कि ऐसा भी होता है। उस गरीबी को मैंने देखा और लोगों के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग की। उसी समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को लेकर के चलने का मेरे मन में जो संकल्प हुआ, बेगूसराय में 600-800 गांव मैंने जुआओं को संगठित करके और शांति के लिए संघर्ष का नारा देते हुए काम शुरू किया। उस समय बिहार में सबसे टॉप नंबर पर अपराध के मामले में शीर्ष पर बेगूसराय जिला हुआ करता था, और रंगदारी और अपहरण और डकैती हर तरह के अपराध हुआ करते थे। दियारा में भी आतंक था, लेकिन करीब करीब 40 मुठभेड़ें हुई, आप बेगूसराय के लोगों से पूछिए। और पूरी 93 और 94 के जो अपराध के आंकड़े हैं बेगूसराय के, उस पर पहले शोध करिए, शोध करके आप देखिए। फिरौती के लिए अपहरण 0, रोड डकैती 0, पेट्रोल पंप लूट 0, बैंक लूट 0, बड़े ये रंगदारों के बीच में जो गिरोहों के बीच में संघर्ष चलता था वो 0, एकदम वो आंकड़ा देखने लायक है। और बिहार के लोगों को, खास करके मीडिया के भाइयों को, उस पर शोध करना चाहिए क्या बदला था उस समय, क्या बदला था। न पुलिस के पास आधुनिक संसाधन थे, न भवन थे, न गाड़ियां थी, हथियार के नाम पर वही पुराना 303 राइफल होता था, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में अपराधी AK-47 रखते थे, जो अपने मेरे दबाव के कारण घर पर खुद ही AK-47 फेंक कर गए थे। और बिहार के AK-47 की रिकवरी, पहली रिकवरी 93 में वो हमने की थी, जब बिहार में बिहार फोर्स पुलिस के पास भी AK-47 नहीं हुआ था। और लोगों को लाखों की संख्या में मैंने संगठित किया और उनके सहयोग से ये मुठभेड़ें हुई और हजारों अपराधियों ने 6 महीने के अंदर सरेंडर किया। बेगूसराय में राम राज्य की स्थिति हुई। उसके बाद में 11 नरसंहार होता है, 13 आदमी पर गोली चला करके मार दिया जाता है और 1 घंटा के अंदर कैबिनेट बैठती है। मेरे को कहा जाता है कि आप जाकर के जहानाबाद शांत कीजिए। पूरा मगध में आप देख लीजिए, ये जहानाबाद हो या अरवल हो या ये गया हो, ये पूरे नरसंहार में जल रहा था। जातीय संघर्ष हो रहे थे और चरमपंथी जो वामपंथी शक्तियां हैं उनके बीच में और दूसरी ताकतों के बीच में संघर्ष चल रहा था। बड़े बड़े जनसंहार हुए, चाहे वो बातें हो, चाहे वो सेनारी हो, चाहे वो मियाँ चक हो, और उसके पहले छोटे छोटे संघार बहुत हुए। उस जलते हुए मौके पर मुझे उस मगध प्रमंडल में काम करने का मौका मिला। जहानाबाद का SP, अरवल का SP, औरंगाबाद का SP, जहां रहा मैंने, मेरे टाइम में एक भी जनसंहार नहीं हुआ। गांव गांव 2 अंगरक्षक के साथ 24 घंटे दौड़ता था,
दलितों के घर पर जाता था, वंचितों के घर पर जाता था, सुस्तों के घर पर जाता था, सवर्णों के घर पर भी जाता था और मैं अपील करता था और सब मेरी बात मानते थे। उस समय कौन हमको राजनीति करनी थी आप बताइए? बेगूसराय में हमने 800 गांव में लोगों को जुटाया, उस समय कौन राजनीति करती थी? ये बाढ़ में एसपी ज्वाइन किया, 10 साल एक महादलित के बच्चे ने मुझे खाना बना करके खाना खिलाया, उस समय मुझे कौन राजनीति करनी थी? आज से 6 साल 8 साल पहले मैंने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गांव के रामनाथ राम जो हमारे दलित समाज के आते हैं उनकी बेटी की शादी की, मैंने और मेरी पत्नी ने कन्यादान दिया। ये समाज का एक क्रांतिकारी कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के घर में महादलित परिवार के बेटी की शादी हुई और हम और हमारी पत्नी ने उसको कन्यादान दिया। आप पता कर सकते हैं उस समय हमको कौन चुनाव लड़ना था, कौन राजनीति करनी थी? उसके बाद हम जहां जहां रहे हैं, औरंगाबाद में मैंने गांव गांव में शांति निगरानी समिति बनाई, 54,000 उसके सक्रिय सदस्य हैं। 25 साल पहले मैं औरंगाबाद में था, कामेश्वर बैद आज भी उसके अध्यक्ष हैं। आप जाके औरंगाबाद में सर्वे कीजिए, वो 54,000 लोग आज भी हमसे जुड़े हैं, सबका नाम है, नंबर है, फोटो है, रजिस्टर है और हजारों आपस के मामलों को उसके माध्यम से निपटाया गया। और गांव में जाता था, लोगों से मीटिंग करता था, उस समय हमको कौन चुनाव लड़ना था बताइए? तो उसके बाद जहां भी, मुजफ्फरपुर में मैं रहा 6 साल, एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, एडीजी रहा, आप बताइए चारों तरफ मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी से लेकर के और बेतिया बगा मोतिहारी हजारों नौजवानों का संगठन खड़ा किया। किस लिए खड़ा किया कि भाई अपराध नियंत्रण के लिए, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जब तक जनता साथ नहीं रहेगी, जनता का विश्वास नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते हैं पुलिसिंग में। तो वो मैंने किया और कहीं भी, आप जानते हैं, आप ही सब गवाह हैं कि बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा होता है। गुप्तेश्वर पांडे को क्यों भेजा जाता था आप बताइए? मुझे भेजा जाता, मेरे साथ कोई कमांडो भेजा जाता था, फोर्स भेजी जाती थी, अकेला हेड क्वार्टर से उतार दिया और या गाड़ी से भेज दिया और वहां मेरे जाने के साथ ही सारी स्थिति सामान्य हो जाती थी, चाहे औरंगाबाद का मामला हो, चाहे वो तुरकौली का मामला हो, चाहे वो सुगौली का मोतिहारी मामला हो, चाहे वो सीतामढ़ी का मामला हो, या वो दरभंगा का मामला हो, या छपरा का मामला हो, जहां एक बटालियन आईटीबीपी की शहर में उतारी गई थी, 10 कंपनी और 2000 जिला के फोर्स, ये 3000 लोग टाउन में लगे थे, आगजनी नहीं रुक रही थी और लग रहा था पूरा शहर जल जाएगा। मुझे हेलीकॉप्टर से 6 बजे उतारा जाता है, कुर्ता पजामा लेकर के आंख मलते हुए मैं चढ़ा था और 6 घंटे में वहां मामले को निपटा करके आ गया। ये मेरी कोई ये काबिलियत नहीं है, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये केवल पीपुल कनेक्टिविटी के चलते होता है कि जहां भी कहीं। अच्छा, इसी साल का ले लीजिए, किस किस तरह के मामले आए जिसमें पूरे देश में कहीं भी विधि व्यवस्था की, मैंने कई राज्यों में बहुत ही परेशानी हो गई, लेकिन बिहार अपने, चाहे वो सीएए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या कितनी स्थितियां परिस्थितियां आई जिसमें उपद्रवी तत्व समाज को बरगला करके विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन सीएए एनआरसी के मामले जो चले उसमें भी बिहार अपनी धुरी पर खड़ा रहा। और देखिए, चाहे आगे से राजनीति कहां से करेंगे, किस दल से करेंगे, देखिए, आप जैसे एक भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं वैसे ही मनीष जी मैं भी भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं। आज के डेट में, आज की तिथि में मैं डीजीपी नहीं हूं, वो जो नियम कानून हैं जो सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं वो मुझ पर आज की तिथि में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कल ही रात में सेवानिवृत्त हो गया, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं क्या करूंगा, देखिए, मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूँ, बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं, जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000-25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं, उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा यही अभी कहा मैंने कहा है,
लड़ना होगा तो सर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है रोमेन पांडे वो उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई एक लड़का है जो बिग बॉस में गया था, वहाँ का स्टार है और उसने अपने अपने स्तर से वो बनाया। बक्सर के काफी लोग आए हैं आपके पास, बक्सर के भी लोग आए हैं, अभी बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन खास कर देख रहे हैं बक्सर के पॉलिटिशियंस लोग आए हैं आपसे। ना कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मोटिवेट करने के लिए कि आप चुनाव लड़िए क्या? नहीं, वो तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से भी दबाव है, हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बघार से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि आप यहीं चाहिए। वाल्मीकि नगर तो वाल्मीकि नगर का नाम लिया है, मैं वाल्मीकि नगर का नाम लिया क्या? वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव में लड़ सकते हैं, हम लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमारे उद्योगता है तो किस पार्टी से लड़ेंगे? मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। आज के सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है वो भी मैं बताऊंगा।